और तो देखिए बिहार की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर मतदान के लिए। देखिए अभी आपको बता दें कि आधे घंटे का और समय बाकी है, तो देखिए न्यूज 18 की लोगों से अपील है, अभी भी घर से आप बाहर निकल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं और कतार में खड़े होने पर आपको 6 बजे के बाद भी वोट देने का मौका मिलेगा। तो चार यहाँ पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और अभी भी आधे घंटे का वक्त शेष है, तो ऐसे में न्यूज 18 आपसे ये अपील करता है कि आप लोग जाइए वोट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रजनीश देखिए यहाँ पर चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और ऐसे में आधे घंटे का और समय अभी बाकी है, तो क्या लग रहा है माहौल देख करके, क्या भीड़ अभी बढ़ी है या फिर पहले के मुकाबले कम है? देखिए विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है और कुल मिलाकर कहें तो वोटिंग परसेंटेज जो है लगभग 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 45.3% है। अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। हालांकि इमामगंज क्षेत्र में जो है कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग हुई थी और वहां वोटिंग है खत्म हो गई है, लेकिन लगभग जो चार विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और जो कतार में लगे हुए जो मतदाता हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर मतदाता जो हैं खुलकर वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। जो हमारे तमाम चप्पे चप्पे रिपोर्टर थे उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसके दौरान वो तस्वीरें सामने आई है। कुल मिलाकर ये कहें कि अपोजिशन हो या फिर सत्ताधारी पार्टियां हो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। 2025 में विधानसभा चुनाव है और ये 2024 में विधानसभा का उपचुनाव है और ये उपचुनाव एक संकेत देगा, एक संदेश देगा वोटर्स में कि 2025 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अपोजिशन को ये पता है फाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। चूंकि कहा जा रहा है कि ये जो है ये साख है गठबंधन का, महागठबंधन का, और यहां पर बहुत ज्यादा लॉस एनडीए को होने वाला नहीं है, तो इसे लिटमस टेस्ट के तरीके से भी देखा जा रहा है। देखिए चुनौतियां और तब बढ़ गई है जब पीके यानी प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, यानी प्रशांत किशोर ने चारों सीट पर जो है अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला है, लगभग सभी जगह कहेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि जो इमामगंज क्षेत्र है यहां पर अगर कहेंगे तो सबसे अधिक प्रत्याशी जो है मैदान में है, बसपा भी है, तो ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद आरजेडी भी जो है वो मुश्किलों में दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है बीजेपी हो या फिर जो जदयू है उसके लिए भी चुनौतियां हैं। तो देखना यह होगा कि आखिर 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को जो है जो मतदाता वोटिंग किए हैं आखिर किसका पलड़ा भारी होता है और जीत का सेहरा जो है किसके सर पर बनता है। लेकिन फिलहाल जो वोटिंग है उसमें मतदाता जो है उनका रुझान जो सामने आया है, मतदाताओं ने खुलकर वोटिंग की है। महिला वोटर्स जो है खासकर आधी आबादी उन्होंने भी सुबह 7 बजे से लाइन लगकर वोटिंग किया है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने भी संदेश देने का काम किया है और उसकी तरफ से भी लगातार जो वोटर्स हैं उन्हें जागरूक किया गया है, तो इसका असर है। और न्यूज 18 का भी असर देखने को मिला है कि भाई खुलकर आप वोटिंग कीजिए और घरों से बाहर निकलिए। अभी तक शाम 6 बजने वाले हैं और अभी तक वोटर्स कई बूथ पर जो है लाइन में लगे हुए हैं। कुछ देर के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीसी के साथ पूरी तरह से घोषणा की जाएगी और सब कुछ सामने आएगा कि आखिर कहां जो है कितने परसेंट वोटिंग हुई है और विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है दोनों को कंपेयर किया जाएगा और ये उसके बाद कहीं ना कहीं जोर घटाव करके सभी पार्टियां जो है एक तरह से सब कुछ बयां करेगी कि आखिर जीत जो है किसकी होगी। ये तमाम चीजों पर अब कयासों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है तब तक जब तक कि मतगणना का काम शुरू नहीं होगा। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए ये जो उपचुनाव है जो भी प्रत्याशी जीतते हैं तो उसके बाद बहुत कम समय का ही उनको मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ये जो समय होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसे ही सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने कि सेमीफाइनल है ये और एक तरफ झारखंड में वोटिंग हुई है और आज बिहार के 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ है और इसीलिए भी सेमीफाइनल है क्योंकि अब जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उस उम्मीदवारों की इंटरनल एक तरह से कहा जा रहा है कि सर्वे कराया गया है कि आखिर जो वोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्षेत्र में जो है किस पार्टी का बोलबाला है। तमाम चीजों के बाद जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा गया है और सभी पार्टियां हालांकि अलग अलग दावे कर रही है कि उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहतर होगी और जो वोटर्स हैं उन्होंने खुलकर वोटिंग किया है, लेकिन
फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इलेक्शन कमीशन की पीसी है, शाम 6 बजे वोटिंग परसेंटेज कितना तक पहुंचा है शाम 6 बजे तक ये भी क्लियर होगा, और अगले 8 दिनों बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर 4 सीट पर कितने सीट किन पार्टियों को मिली है, ये अभी इंतजार करना जरूरी होगा। लक्ष्मी बिल्कुल रजनीश, और देखिए मुकाबले को बड़ा ही दिलचस्प बनाते हुए पीके ने जितने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा तो ये मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया। तो क्या लग रहा है, ग्राउंड जीरो पर है, मुकाबला कितना कांटे की देखने को मिली? देखिए हमने कहा कि प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जो माई समीकरण है, प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से पटना में पिछले कई दिनों पहले जो है पार्टी की घोषणा के बाद उससे पहले उन्होंने तैयारी कर दी थी और ग्राउंड पर घूम घूम कर वो लगातार जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उनके बीच जा रहे थे। तो 2025 में वो पूरी तरह से संदेश ये देना चाहते हैं कि देखो उपचुनाव के जरिए हमने ये बता दिया कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है मैदान में थी और हमारा क्या रहा। अगर प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर भी आते हैं, दूसरे नंबर पर भी आते हैं, तो अपने आप को उपलब्धि मानेंगे। हालांकि ये आने वाला तो ये जो मुकाबला है रंजनीश, बहुत ही दिलचस्प और त्रिकोणीय बन गया है पीके के एंट्री की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।